गुड आफ्टरनून, आपकी माय आवाज नेम इज बहुत प्रीति गुप्ता। आई एम स्टडी इन क्लास सिक्स। मेरी कविता का शीर्षक है गोरैया। कुछ दिनों पूर्व 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। घरों में अब गोरैयों की चहचहाट सुनाई नहीं देती है, अतः गोरैयों को संरक्षण देने के लिए हम हर साल 20 मार्च को ही विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। गोरैयों कीड़ों मकोड़ों को हमारे घर से और वो खेतों को भी रक्षा करती हैं। गोरैयों के ऊपर आए संकट को मैंने अपने बाल मन में शब्दों से पिरोया है। सुबह उठकर मैंने देखा यह एक गोरैया पेड़ पर बैठी चहचहा रही थी। मेरे मन को भा रही थी तभी आया एक सांप वहां पर। चहचहाने वाली गोरैया मर चुकी थी। चहचहाने वाली गोरैया सांप के फूले हुए पेट में जा चुकी थी। तभी मम्मी ने बोला, उठो 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 उठो। तब सपने से बाहर आई और बाहर देखा तो वही चिड़िया चहचहा रही थी। मेरे मन को भा रही थी। लेकिन क्या यह सपना था, मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरी यह खुशी कब तक टिक पाएगी? सामने दिखने वाली गोरैया न जाने धरती की कितने दिनों की मेहमान रह पाएगी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया कविता आपकी है। सच में गौरैयों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आजकल तो सच में दिखती नहीं है शहरों में गौरैया कहीं। सच में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है ये। जी सर, गौरैया का जो है खत्म होना जो है दिन पर दिन, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत कम हो रही है सर इनकी संख्या, तो मुश्किल से दिखती है छतों पे गौरैया। तो बढ़िया कविता है आपकी। अब मैं अन्वेषा गुप्ता को बुलाना चाहूंगी। अन्वेषा गुप्ता फ्रॉम फोर्थ ग्रेड।